हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में, जहां आज किस्सा सुनाएंगे आपको शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का। जी हां, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का एक ऐसा किस्सा जिसको सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है, उस पर लेकर के एक खास इंसान ने खास खुलासे किए हैं, तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन कुछ वक्त पहले एक एड में नजर आए। सालों बाद उनको साथ में देखने के बाद फैंस काफी खुश हुए। लेकिन इस एड की शूटिंग के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जो आज के इस रिपोर्ट में आपको सुनाने जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमे शाहरुख का एक दिलचस्प किस्सा है। ये कहानी सुनाई है निर्देशक आर बाल्की ने। आर बाल्की ने कुछ ऐसे मजेदार खुलासे किए हैं जिसको सुनने के बाद आपको भी खुशी होगी। बता दें कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन लंबे वक्त बाद उन्हें किसी एड की शूटिंग में एक साथ देखा गया। जब ऐसा हुआ तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि एक लंबे वक्त बाद दोनों टेलीविजन पर नजर आ रहे थे। क्या है वो दिलचस्प किस्सा, इसकी शुरुआत करते हैं। बता दें कि सालों बाद हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन और बादशाह शाहरुख खान को एक साथ जब स्क्रीन पर देखा गया तो एड की काफी सुर्खियां हुई, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री हमेशा की तरह ही लाजवाब हुई। हाल में ही दिग्गज निर्देशक आर बाल्की ने इस शूट पर खुलासा किया है। एड शूट के वक्त कैसा था वो दिलचस्प किस्सा अमिताभ और शाहरुख का, इसको शेयर करते हैं वो। यूं तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने कई फिल्में साथ में की हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी एड शूट में वो नजर आ रहे हों। सालों बाद उन्हें एक साथ शूट पर देखने के बाद फैंस काफी खुश थे, और फैंस खुश हो भी क्यों ना। खुद डायरेक्टर आर बाल्की ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान बताया कि एड शूट के दौरान उनके बीच में कैसा बॉन्ड था। एक इंटरव्यू में आर बाल्की कहते हैं कि अमिताभ से हमेशा करीब आधे घंटे पहले शाहरुख सेट पर पहुंच जाया करते थे। जी हाँ, करीब आधे घंटे पहले अमिताभ से शाहरुख सेट पर पहुंच जाया करते थे। आखिर इसके पीछे क्या सोच थी और क्या कहानी, इसके बारे में भी आर बाल्की ने बताया है। आर बाल्की ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो दोनों शूटिंग के दिन ही मिले थे। ये बहुत आसान था। शाहरुख कह रहे थे कि बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे अमित जी से 10 मिनट पहले पहुंचना है, और अगर अमित जी आ भी जाएं तो संभव हो तो उन्हें रोक लीजिएगा किसी भी तरीके से। बस अमित जी से 10 मिनट पहले मुझे पहुंचना है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। शाहरुख खान की इस मांग को सुनने के बाद सेट पर सभी हैरान थे, खुद आर बाल्की भी हैरान थे। आखिर ऐसा शाहरुख क्यों कर रहे हैं, क्यों अमित से केवल 10 मिनट पहले वो आना चाहते हैं। इस बारे में आर बाल्की आगे कहते हैं कि शाहरुख खान अमित जी के लिए सुबह 7:30 बजे भी सेट पर आने के लिए तैयार थे। डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने उनसे 2 बजे शूट शुरू करने के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं 1:30 बजे पहुंच जाऊंगा। शाहरुख आगे कहते हैं कि अमित जी से बस आधे घंटे पहले मुझे पहुंचना है, ये सुनिश्चित करिएगा। इस पर डायरेक्टर हंसने पड़ते हैं। डायरेक्टर की हंसी और उनके बीच में कंफ्यूजन काफी ज्यादा थी, और शाहरुख खान हमेशा पहुंच भी जाया करते थे। खुद डायरेक्टर ने बताया कि शाहरुख खान न केवल अमित जी से पहले सेट पर पहुंचते थे, बल्कि वहां पर अमित जी से पहले तैयार भी हो जाया करते थे। इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है, हालांकि इसका जिक्र शाहरुख ने कभी नहीं किया। क्यों अमिताभ से वो 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले सेट पर पहुंचते थे, इसका जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया, इस बात पर तो फैंस भी कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख अमित जी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहते होंगे। फिलहाल आर बाल्की आगे बताते हैं कि अमिताभ और शाहरुख ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि सालों बाद उनका रीयूनियन हो रहा हो। बाल्की कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे थे, बहुत खुश थे, एक दूसरे को डायरेक्ट भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ओल्ड स्कूल रियूनियन हो रहा हो। ये एड शूट का सबसे मजेदार पल था जो उन्होंने बिताया।
किसी भी एड शूट में इतना ज्यादा मजा नहीं आया था। आर बाल्की कहते हैं कि हमने तकरीबन 12 घंटे शूट किया था, लेकिन वो शूटिंग इतने मजेदार तरीके से बीती किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बता दें कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने एवरेस्ट के ब्रांड के लिए शूट किया था, जो कि आप कई बार टेलीविजन पर देख भी चुके होंगे। फिलहाल दोनों मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं। बहरहाल बात करें अगर अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ अपने शो केबीसी को लेकर के भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। केबीसी के वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं और साथ ही केबीसी में आए कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से कहानियां अक्सर अमिताभ बच्चन सुनते भी हैं और अपने किस्से कहानियां सुनाते भी हैं। इसी बीच में अमिताभ बच्चन ने अपनी एक बीमारी के बारे में जिक्र किया है, जो हाल की ही रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल एक्टर ने शो में कहा कि जब वो मायस्थेनिया से ग्रसित थे, तब उनका हाल इतना बुरा हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उस वक्त डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। दरअसल इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था, जिसका एक्सपीरियंस अमिताभ ने याद किया। उन्होंने कहा कि एक बार शूटिंग के दौरान वे गिर गए और साथ ही मायस्थेनिया ग्रेसिव से, क्योंकि वो पीड़ित थे इसलिए ऐसा हुआ। ये एक मसलन डिसऑर्डर है, मसल्स डिसऑर्डर होने की वजह से अमिताभ कहते हैं कि मैं पानी भी नहीं पी सकता था, अपने कोट के बटन भी नहीं लगा सकता था, अपनी आंखें भी नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर ने दवा दी और मैं घर आ गया। मैं टेंशन में था कि मैं फिल्में कैसे करूंगा और ठीक से मैं चल भी नहीं पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। लेकिन आगे डॉक्टर ने कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरोसा था कि बिग बी फिर से खड़े हो जाएंगे। बिग बी ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें कई दवाइयां दी थी, घर में ज्यादातर वक्त वो बिताते थे, लेकिन इस वजह से फिल्मों को लेकर के वो काफी सुर्खियों में थे, काफी चर्चाओं में थे कि अमिताभ फिल्म छोड़ देंगे। इसी बीच में सीनियर डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उनका साथ दिया, उनको फिल्में दी और साथ ही इस दुख भरे सफर में एक स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े रहे। तो ये था शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का एक खास कनेक्शन और साथ ही जो खुलासे थे, एक दिलचस्प कहानी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ऐसी कई और कहानियां हैं जो अमिताभ की अलग अलग जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनके साथ अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, अक्सर बॉलीवुड के बादशाह जो हैं वो सुर्खियों में रहते हैं और इसी बीच में लोगों को ये किस्सा काफ़ी पसंद आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।